कैसे हैं दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube के वीडियो में टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल कैसे चूज करें, प्रॉपरली वीडियोस कैसे अपलोड करी जाती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अपने चैनल को आप फर्स्ट नंबर पे सर्च पे कैसे ला सकते हैं। ये तीन चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तीनों एक ही से संबंधित है। आपको मैं ध्यान आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके काम आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले जाएंगे आप YouTube पे। YouTube पे जब आप जाएंगे, फिर आपको जाना है अपना क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में जब आप क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल वीडियो मैनेजर की मैं बात करता हूँ, अगर ठीक है, वीडियो मैनेजर में जाएंगे, हमने जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, वो ये होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एडिट किया, इस वीडियो को हमने एडिट किया, जैसे मैं अभी एडिट करके बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग्स। फिर आपको अपने टाइटल देखना है, टाइटल आपने क्या डालना है, किस चीज़ से संभालना है, टाइटल आपका अपना होगा। टाइटल चूज करना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, टाइटल कैसे चूज करते हैं। फिलहाल आप वीडियो अपलोड करना देखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोग यहाँ पे डालते हैं टाइटल। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या करना रहता है कि आपको अपने वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत और अपने बारे में थोड़ा बहुत आपका सोशल मीडिया लिंक, आपकी और दूसरी वीडियो के लिंक आप इसमें दे सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो होते हैं टैग्स, नीचे टैग्स डालने होते हैं आपको। टैग्स वो चीज़ होती है जिससे कि आपका जो वीडियो है वो YouTube की सर्च में आ सके। अब YouTube की सर्च में आना भी बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, अब ये देखिए कि जैसे अगर आपने डाल, जैसे हीरो योर चैनल भी टू वीडियो, अब मैंने अगर कोई मेरे चैनल को सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, तब भी ये वीडियो उसके सजेशन में आएगी। तो टैग्स आपको डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसमें डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब ये सर, ये चीज़ तो जो है, ये चीज़ बात की बात है, ये छोड़िए। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो आपका एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन आप ज़रूर डालिए, क्योंकि उससे आपका चैनल का फ्री का प्रमोशन होता है। फ्री में प्रमोशन मतलब कि YouTube, देखिए आप जानते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए प्रमोट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी कोई वीडियो देख रहा है तो लास्ट के बस समझ लीजिए, जैसे 4:31 मेरी वीडियो ख़त्म हो जानी बाबर पर, तो ये 4:31 से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे ये है, हमने यहाँ से प्ले किया इसको, कौन सा बैकअप के लिए बढ़िया है, आप यहाँ से हमने प्ले किया। अब देखिएगा 4:37 में 31, 32, 33 ये देखिए आने लग गया ना। तो कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपकी सिर्फ दूसरी वीडियो पर पहुँच जाएगा, जैसे ये मैं पहुँचा हूँ, ठीक है। सिंपल ये चीज़ आपको करनी है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये भी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ से आप सेव कर जाएंगे। सेव करने के बाद आप जाइए कार्ड्स में। कार्ड में जब आप जाएंगे तो कार्ड बहुत ज़रूरी है। कार्ड क्या होता है कि आपने जैसे कोई वीडियो बाय चांस देखी तो ये ऊपर आप ये साइन देख रहे हैं कॉम हैशटैग को, इसमें आपको बार बार साइड साइड में आपको वीडियो के टाइटल्स और वीडियो के लिंक आपको दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड हमने यहाँ पे दो डाले हुए हैं, हैशटैग यूट्यूब सपोर्ट ये प्लेलिस्ट का है और हैशटैग बेसिक फॉर बिगिनर्स ये वीडियो है। देखिए अब मैंने टैग यहाँ पे डाला है, ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक इससे एक लाइन निकल के आएगी, दिखेगी सर। ये चीज़ आप कर लेंगे बहुत ज़रूरी है, इससे आपका चैनल फ्री में प्रमोट होता है। यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें, जैसे हैशटैग यूट्यूब, ये मैंने जो पहले डाला था वो निकल के आया। आप वैसे इसमें 4-5 अपना जोड़ सकते हैं। तो ये मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी करना होता है। दूसरी बात ये कि आपकी जितनी भी वीडियो हैं सबको आप ऐसा प्रॉपरली मेंटेन करें। तीसरी चीज़ होती है थंबनेल। थंबनेल देखिए आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब कि कोई देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, क्योंकि लोग एक बार को आपका ये मतलब जो टाइटल है वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप भी कई बार दूसरे की वीडियो देखते हो खाली इस थंबनेल की वजह से। थंबनेल आपको अच्छा लगा, आपने दूसरा वीडियो अच्छी होगी चलो देखते हैं, अब बाद में जैसी हो उससे मतलब नहीं। तो सबसे पहले आपको ये थंबनेल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में एक ट्यूबबडी एक्सटेंशन के बारे में बताया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साइड में ये चीज़ बनकर आ रहा है और ये ट्यूबबडी का एक्सटेंशन यहाँ जुड़ा हुआ है। ये आपका देखिए
इस ट्यूबबडी के बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हुई है अपनी पहली वीडियो में। इस वीडियो के नीचे मैं आपको ट्यूबबडी का लिंक दे दूंगा। इससे पहले मैंने यूट्यूब बेसिक्स जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए या कोई भी हो उसके लिए मैंने बताया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको इस चैनल के नीचे दे दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब की एनालिसिस होती है, यूट्यूब की एनालिसिस का भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे। आपको अगर किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझने की बात है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सभी बोलते हैं इस बात को, मैं ही बोल देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।